अगर आपको रोड लेयर की विड्थ निकालनी नहीं आती, ना तो आप रोड में लेवल दे पाओगे, ना आप रोड का बेड बना पाओगे, आप रोड में कुछ भी नहीं कर पाओगे इसके बिना, कुछ भी नहीं कर सकते। तो विड्थ निकालना उतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए डीपीआर बनना इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आपको रोड की विड्थ कैसे निकालनी है, आपको कैसे पता लगेगा कि जो मैंने ओजीएल का बेड तैयार करना है उसकी विड्थ मेरे को 10 मीटर रखनी है, 20 मीटर रखनी है, 30 मीटर रखनी है। सबसे पहले दोस्तों इसको देखिए, ये है मेरा रोड का क्रॉस सेक्शन। इसका जो कैरिज वे है इसकी विड्थ है 7 मीटर। दोनों तरफ जो ग्रीन कलर का है ये मेरा शोल्डर है, अर्थ एंड शोल्डर, 1.5 मीटर इस तरफ, 1.5 मीटर इस तरफ, मतलब टोटल जो इसकी चौड़ाई बन गई है विद शोल्डर, रोडवे जो मेरा बन गया है वो मेरा 10 मीटर का रोडवे बन गया। ठीक है, जो सब ग्रेड है मेरा वो 500 का है, जो मेरी ये GSB है ये वाली, ये मेरी 250 की है, जो मेरा ये WMM है ये 200 का है, DBM है मेरा 50 का और BC है मेरी 30 की। यहाँ पे मैंने क्रस्ट शो कर रखी है और टोटल इसकी यहाँ से लेकर BC टॉप तक की मेरी टोटल हाइट बन रही है 1030 mm। तो यहाँ पे मेरे को OGL की विड्थ, सब ग्रेड की विड्थ, GSB, WM, DVM, BC सब की विड्थ निकालनी है। ये जो OGL है मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मेरे को इस OGL की विड्थ निकालनी है। मेरे को ये देखना है कि जो मैं OGL का बेड बनाने जा रहा हूँ उसकी विड्थ मेरी कितनी आएगी। ठीक है, और ये होगी मेरी सेंटर लाइन, CL सेंटर लाइन। ठीक है, अब यहाँ ये कैरिज वे कितने का है, कैरिज वे कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना है 7 मीटर। तो 7 मीटर का मैं हाफ कर दूंगा, हाफ कितना आ गया 3.5 मीटर। ठीक है, यहां पे मेरा शोल्डर आ गया कितना 1.5 मीटर। अब दोस्तों यहां पर निकालनी है मेरे को सबसे पहले OGL की विड्थ। OGL है मेरा यहां से लेकर यहां तक, इसकी हाफ विड्थ है मेरी 7.06 और इधर का भी हाफ मेरा सेम आएगा। अब ये 7.06 कैसे आया इसको समझिए। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं OGL विड्थ। ठीक है, OGL की विड्थ निकालनी है तो ये कितना है, सबसे पहले मेरा 3.5 प्लस 1.5 प्लस ब्रैकेट 2। अब 2 क्या है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ जो स्लोप है 1:2 का स्लोप है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका एक वर्टिकल है तो 2 आपका होरिजेंटल जाएगा, अगर आपका 2 वर्टिकल है तो 4 होरिजेंटल जाएगा, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो 2 में का मैंने वो 2 ले लिया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए OGL के ऊपर कितने लेयर आ रही है, 1 2 3 4 5, और 5 लेयरों की जो मेरी टोटल हाइट बन रही है 1030 mm बन रही है। तो मैं हाइट ले लूंगा यहाँ पे, इसको मीटर में लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इन सबको जोड़कर आपका आ गया, इन दोनों को जोड़कर आपका आ गया 5 मीटर, इन दोनों को कैलकुलेट करके आ गया आपका 2.06, इन दोनों को जोड़कर आपका आ गया 7.06 मीटर। ठीक है, तो ये 7.06 मीटर है, ये सेंटर से लेकर OGL का जो मेरा एज है इसकी हाफ विड्थ आई है। अगर ये मेरा 7.06 आया तो सेम मेरा ये मेरा आएगा 7.06। ठीक है, तो 2 × 7.06 दोनों तरफ का है तो मेरा आ गया 14.12 मीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरी OGL की विड्थ आई है वो आई है मेरी 14.12 मीटर। ये क्लियर हो गया। अब मुझे निकालनी है सब ग्रेड टॉप, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है ये वाली, ये मेरा सब ग्रेड टॉप है, मुझे इसकी विड्थ निकालनी है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ देखिए इसके टॉप के ऊपर कितनी लेयर आ रही है, एक GSB की आ रही है, दूसरी WM, तीसरी DVM, चौथी BC, 4 लेयर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं सब ग्रेड विड्थ। तो
ये मैं पहले हाफ ले लूँगा, 3.5 प्लस 1.5 प्लस 2 इंटू 2, वही जो मेरा 1:2 का स्लोप है, मल्टीप्लाई इसके ऊपर कितने ले रहे हैं, 1, 2, 3, 4। अब चार लेयरों को जोड़ना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, मतलब GSB, WM, DVM और BC। तो चार जोड़कर मेरा कितना बन गया, चार जोड़कर बन गया मेरा 530। तो इसको मैंने मीटर में लिख लिया, 530। ठीक है, समझ गया ना 530 कैसे बना, GSB, WM, DVM, BC इन चारों लेयरों को आपने जोड़ दिया। मैं यहाँ ऐसे आपको करके दिखा देता हूँ, अपने ये चारों लेयर को जोड़ना, ये चारों लेयर को जोड़कर आपका बना है 530। तो वही मैंने यहाँ 530 को मीटर में लिख लिया है, इन दोनों को जोड़कर वही मेरा आ गया 5 मीटर। प्लस इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पे आ गया आपका 1.06। इन दोनों को जोड़ दो, जोड़कर आपका गया 6.06 मीटर। अब ये जो 6.06 मीटर आया, ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ बेड था, ये सबग्रेड टॉप की, ठीक है, किसकी, ये सबग्रेड टॉप है, इसकी बेड था ये 6.06 मीटर। अगर ये मेरी आई है तो सेम मेरी इधर भी आएगी, ठीक है, ये सेंटर से हाफ इधर का हो गया, सेंटर से हाफ इधर का हो गया। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, जोड़कर आपका बन जाएगा, दोनों को जोड़कर आपका 12.12 मीटर बन गया, मतलब जो टोटल मेरा सबग्रेड यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी बिड़ था ये 12.12 मीटर आई है, ठीक है, आपका सबग्रेड भी निकल गया। अब मुझे निकालनी है GSB टॉप, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है आपका ये वाला लाइन, ये आपका GSB टॉप है, इसकी बिड़ निकालनी है। अब यहाँ पर देखो GSB के ऊपर कितनी लेयरें आ रही हैं, GSB के ऊपर 3 लेयरें आ रही हैं, कौन कौन सी, WM, DVM और BC, इन तीनों लेयरों को मुझे जोड़ना है। 200 का ये हो गया WM, 50 का DVM, 30 की BC, तीनों को जोड़कर बन गया मेरा 280। अब यहाँ पे देखिए हम निकाल लेते हैं GSB टॉप, ठीक है, इसकी विड्थ निकालते हैं GSB टॉप की, वही मेरे को सेम वही लेना पड़ेगा, 3.5 प्लस 1.5, फिर 2 × 0.280। ये कैसे है देखो, 3.5 और 1.5 मीटर तो मैंने यही ले लिया, 2 मेरा स्लोप आ गया, 0.280 क्या है, यहाँ से लेके 3 लेयरों की जो मेरी थिकनेस बन रही है 280 mm बन रही है, तो मैंने इसको मीटर में लिख लिया, ठीक है। इनको जोड़कर मेरा क्या बना है, 5 प्लस इनको कैलकुलेट करने पे मेरा आया है 0.560, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़कर बना मेरा 5 मीटर 560, ठीक है, ये जो है 5 मीटर 560, ये मेरा GSB टॉप 5 मीटर 560, सेंटर से लेकर इधर का हाफ 5 मीटर 560 आ गया, फिर 5 मीटर 560 सेंटर से लेके इधर का हाफ, मतलब GSB टॉप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरा टोटल बन गया है वो बन गया मेरा है 11.12 मीटर, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कैमरे में दोस्तों, तो 11.11 मीटर मेरा GSB टॉप बन गया है, कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखो ध्यान देने वाली क्या बात है, यहीं पे लोग गलती करते हैं। अब GSB टॉप तक था मेरा स्लो 1:2 का, GSB के ऊपर क्या आ रहा है मेरा, मिट्टी फिलिंग यानी कि शोल्डर आ रहा है, ठीक है, शोल्डर किस पे शुरू हो रहा है, GSB पे शुरू हो रहा है, तो GSB के बाद जो स्लोप बनेगा, मतलब यहाँ से जो मेरा स्लोप बनेगा यहाँ तक, वो 1:1 का रहेगा। अब मुझे निकालनी है बैटमिक्स टॉप, यहाँ से लेकर यहाँ तक बैटमिक्स टॉप की विड्थ निकालनी है। अब इसके ऊपर कितनी लेयरें आ रही हैं, इसके ऊपर आ रही हैं 2 लेयरें, कौन कौन सी, DVM और BC, DVM 50 का है, BC 30 की, यानी कि 80 mm आ रहा है। अब इसको देखना आप ध्यान से,
यहाँ मैं लिख लेता हूँ WMM विड्थ, ठीक है, WMM टॉप विड्थ है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, इसमें आपको यहाँ से पहले मैं पूरा लेता था ना 3.5 और डेढ़, इसमें आपको डेढ़ को नहीं लेना क्योंकि यहाँ पे शोल्डर आ गया ना, ये तो मिट्टी आ गई है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3.5 मीटर ही लेना है। तो 3.5 मीटर लिया, ठीक है, तो प्लस 1:80 था ना 0.8। देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक 3.5 मीटर लिया है, क्यों लिया मैंने, मैं 1.5 मीटर क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो मेरा WMM है वो यहाँ तक ही है ना, इधर नहीं है ना, इसलिए मैंने नहीं लिया। GSV में 1:2 के लिया क्योंकि GSV मेरी यहाँ तक है, इसके ऊपर मेरा मिट्टी आ रही है। तो जो भी बेड मिक्स से आपकी जो रोड की विड्थ निकालनी है वो आपकी 1:1 स्लोप में निकालनी है, इसमें मैं ये शोल्डर को ऐड नहीं करूँगा रोड की, मतलब इसमें मैं शोल्डर की विड्थ को ऐड नहीं करूँगा, इसमें मैं सिर्फ 3.5 मीटर ही लूँगा। तो 3.5 मीटर ले लिया मैंने, 1:1 का स्लोप है और 0.80, इसको मैंने मीटर में लिख लिया है। 80 क्या है, मेरी DVM और BC की थिकनेस है। तो सबको कैलकुलेट करने पे आ गया आपका 3.580 मीटर, ठीक है। मतलब जो मेरा ये रहेगा बैटवे स्टॉप रहेगा, इसकी विड्थ रहेगी 3.580 मीटर और इधर भी रहेगी 3.580 मीटर। ये मेरा सेंटर से इधर का 3.580 मीटर हो गया, सेंटर से हाफ इधर का 3.580 मीटर हो गया, दोनों को जोड़कर जो मेरी टोटल विड्थ बन रही है वो बन रही है 7.160 मीटर। अब मुझे निकालनी है DVM की विड्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब DVM के ऊपर कितनी लेयर आ रही है, एक लेयर आ रही है, कौन सी आ रही है, ये वाली, ये मेरी आ रही है एक लेयर BC की 30 mm की। तो यहाँ मैं लिखूँगा DVM विड्थ, तो 3.5 मीटर लिया मैंने, वही सेंटर से लेके ये प्लस 1:03 मीटर, सॉरी ये मेरा 30 mm हो गया, मैंने इसको मीटर में लिखा है। यहाँ पे देखिए जो मेरी BC है ये मेरी 30 mm की है, तो मैंने 30 mm को मैंने मीटर में लिख दिया है। तो 3.5 प्लस 0.3 ये आ गया 3.53 मीटर। मतलब जो मेरा ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरा गया 3.530 मीटर इधर का, और सेम मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.530 मीटर आ गया। अगर मैं दोनों को जोड़ूँ, मतलब टोटल मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक DVM की जो मेरी विड्थ आई है वो आई है मेरी 7.06 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी विड्थ कितनी आई, 7.06 मीटर आ गई टोटल विड्थ। अब यहाँ हाफ मेरा निकला हुआ है, ये मेरा हाफ कितना है 3.5 और 3.5, टोटल मेरा कितना बन गया 7 मीटर। तो ये मेरा बन गया 7 मीटर। सबग्रेड की विड्थ भी निकल आई है, GSV, WM, DVM, BC और आपका OGL, इस सब की विड्थ निकल आई है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, जो मैंने इसमें विड्थ निकाली है GSV टॉप तक वो मैंने 1:2 के स्लोप से निकाली है, जो मैंने WM से लेकर ये अपना BC है, BC टॉप तक जो विड्थ निकाली है ये मैंने 1:1 के स्लोप से निकाली है। यहाँ गलती मत करना। और जो मैंने नीचे की विड्थ निकाली है GSV तक, उसे मैंने कैरिज वे, हाफ कैरिज वे प्लस शोल्डर को ऐड किया था, और जो मैंने WM से लेके BC तक की विड्थ निकाली है उसे मैंने शोल्डर को ऐड नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये शोल्डर मेरा बाहर आया। अगर इसमें आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है या आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में लिखें या मेरे इंस्टाग्राम ID सिविल फील्ड इंजीनियर पर मुझे मैसेज करें, मैं आपकी बात का जरूर रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।